28 जनवरी 2023 का सोल पेपर देखिए आप, SST का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन 2। भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए पयमपल्ली, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी होसंगी, ऑप्शन डी ब्रुजहोम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? देखिए, सबसे पहले तो डी आएगा बुर्जहोम, जो जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पर भीमबेटका आएगा, जो मध्य प्रदेश में है। और तीसरे नंबर पर होसगी आवेगी, जो कर्नाटक में है। और पयमपल्ली ये तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा डी, बी, सी और ए। अब देखो इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, बी, सी, ए। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, डी, बी, सी, ए। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन तीन देखिए। भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? ऑप्शन बी पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 में, लेकिन इसमें 327 दे रखा है। इसका आंसर होगा बी का 1। फिर दूसरा देखिए, हर्षवर्धन का शासन था 647 सी का 4। अच्छा जी, संगम साहित्य की रचना का मुझे पता नहीं, ये इससे देख लो। इसका बी का 1। अब देखो ऑप्शन में बी का वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी का 1। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। संगम साहित्य 300 BC से 300 CE, पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325, और हर्षवर्धन का शासन 646 से 647, और स्वयंसांग का भारत आगमन 630 से 643 CE। क्वेश्चन 4। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी, इस तकनीकी का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मिट्टी का, ऑप्शन बी मोम का, ऑप्शन सी पिघली हुई धातु का, ऑप्शन डी पकी मिट्टी टेराकोटा का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोम का। क्वेश्चन 5। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सुले एकुन के कुल के विचार के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, सही। ऑप्शन बी इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया, सही। ऑप्शन सी शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, ये भी सही। उसका विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, ये नहीं। विकल्प ऑप्शन ए बी एंड सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी एंड सी। क्वेश्चन छह नीचे दिए गए कथन ए और आर दोनों को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन
मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। कारण, मुर्शीद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। इसका आंसर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से हड़प्पा मोहर के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे। ऑप्शन बी, सामान्यतः गोलाकार होती थी। ऑप्शन सी, मोहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। ये भी सही है, इसका आंसर होगा ए और सी, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा डी, ए और एंड सी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? ऑप्शन ए, वे आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ऑप्शन बी, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ऑप्शन सी, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ऑप्शन डी, वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो नहीं है। क्वेश्चन 9, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी, वीर सलिंगम ने। ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 10, ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की थी? ऑप्शन ए, कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इसके प्रकाशन में आर्थिक मदद की थी। ऑप्शन बी, इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। ऑप्शन सी, इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिकी सोवियतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। ऑप्शन डी, फूले ने यह किताब तब लिखी जब वे अमेरिका में एक अल्पकालिक भ्रमण पर गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुने। ऑप्शन नंबर एक, नंबर दो, सत्यशोधक किसने लिखी थी? सत्यशोधक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक का ज्योतिबा फूले, और सतनामी आंदोलन घासीदास ने। मतुआ पंत हरिदास ठाकुर ने। और स्वाभिमान आंदोलन, इसका आंसर होगा ईवी रामास्वामी नयांकर। अब देखिए आप, सत्यशोधक समाज का कौन सा हुआ? तीसरा। अब देखो ऑप्शन में ए का तीसरा, ए का तीसरा, दो हो गए, ए में और डी में ए का तीसरा है। अब दोनों को छोड़ दो, बी को और सी को। अब देखो डी और ए देखो बस। अब तीसरा सतनामी आंदोलन घासीदास ने, इसका नाम के बी का वन। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने, सतनामी आंदोलन की घासीदास ने, मतुआ पंत की हरिदास ठाकुर ने, स्वाभिमान आंदोलन की ईवी रामास्वामी नायंकर ने की थी। क्वेश्चन 12, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, चित्तरंजन दास ने, वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन 13, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? ऑप्शन बी अंबाबाई ने, ऑप्शन बी पंडिता रमाबाई ने, ऑप्शन सी ताराबाई शिंदे ने, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू ने।
क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश व्यवसाय था, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये 16 अगस्त था, 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, ऑप्शन ए समताप मंडल में, ऑप्शन बी शोभ मंडल में, ऑप्शन सी ब्रह वायुमंडल में, ऑप्शन डी ब्रह्म मंडल में, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16, देशांतर यमोत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए सभी देशांतर यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, ऑप्शन बी प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यमोत्तर को निरूपित करती है, सही विकल्प का चयन कीजिए, ऑप्शन ए ए और आर बी केवल ए और आर बी सत्य हैं, ऑप्शन बी केवल बी और सी सत्य हैं, ऑप्शन डी ऑप्शन सी केवल ए सत्य है, ऑप्शन डी केवल बी सत्य है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन 17, उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक उष्मा क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्षा में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ऑप्शन बी क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन डी पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्षा में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, वर्ष में एक बार। क्वेश्चन 18, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय 9 पूर्वा भारतीय मानक समय है, देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्व देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, ऑप्शन ए 8:42 सुबह के एंड 9:37 सुबह के पूर्वा और 8:42 पूर्वा और 9:37 पूर्वा क्रम से, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, कौन से शहर श्रवण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं, ऑप्शन ए दिल्ली कांडला चेन्नई कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली मुंबई चेन्नई गुवाहाटी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। क्वेश्चन 20, सूची 1 सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्वी अमेरिका, सदाबहार वन दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील, शीतोष्ण सदाबहार भारत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका, शीतोष्ण पर्णपाती उत्तरी पूर्वी अमेरिका चीन न्यूजीलैंड चिली, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं, भारत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास, शीतोष्ण सदाबहार दक्षिणी पूर्वी अमेरिका दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में, ऑप्शन डी शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरी पूर्व अमेरिका और चीन न्यूजीलैंड चिली में मिलते हैं। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ऑप्शन ए
अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी, भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करती है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। ऑप्शन बी, समताप मंडल अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ऑप्शन सी, मध्यम मंडल इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ऑप्शन डी, ब्रह्मवायुमंडल रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, आत्मपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मपन कहलाती है। सही। ऑप्शन बी, आत्मपन की मात्रा और प्रबलता दोनों दिनों में और ऋतुओं में और साल भर बदलती रहती है। ये भी सही। ऑप्शन सी, आत्मपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है। ये सही नहीं, विकल्प ए, ए एंड बी ट्रू, केवल ए और तथा बी सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए तथा बी सही है। ऑप्शन बी, केवल बी सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ए बी सही है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मपन कहलाती है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी एक गोले के समान एक भू आकृति है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के शीर्ष पर तिरछी पड़ती है और पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के एक बहुत कम भाग को ग्रहण करती है। सूर्य तप की मात्रा और तीव्रता एक दिन, एक मौसम और एक वर्ष में बदलती रहती है। सूर्य तप आयतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटती है। अतः कथन ए बी सत्य है। क्वेश्चन 24, एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है। ऑप्शन ए सड़क मार्ग, ऑप्शन बी रेल मार्ग, ऑप्शन सी जल मार्ग, ऑप्शन डी पाइपलाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो रेल मार्ग, ऑप्शन बी रेल मार्ग। क्वेश्चन 25, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प का चुनाव चयन कीजिए। ऑप्शन, मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है। ऑप्शन ए कौशल के, ऑप्शन बी ज्ञान के, प्रौद्योगिकी के, ऑप्शन डी व्यक्तित्व के। ऑप्शन ए, ए और बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, केवल बी सी, ऑप्शन ओनली डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और बी, कौशल और ज्ञान के, केवल ए और बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, धात्विक खनिज मुख्यतः अवसादी सेल समूह पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या है। ए की ऑप्शन बी, ए तथा बी दोनों सही हैं किंतु बी सही व्याख्या नहीं है। ए की ऑप्शन सी, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखिए, धात्विक खनिज मुख्य आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टाने रवेदार होती है, इन्हें प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। अवसादी तथा रूपांतरित चट्टाने इससे निर्मित होती है। खनिज ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी तल पर आग्नेय में रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः कथन ए सत्य है तथा कथन बी सत्य है।
क्वेश्चन 27, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए अंतरा समयन, ऑप्शन बी आश्रय पट्टी, ऑप्शन सी समुच्चय रोपण, ऑप्शन डी पट्टीदार रोपण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आश्रय पट्टी। ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आश्रय पट्टी। वृक्षों की उन कतारों को आश्रय पट्टी कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है। इसका उपयोग कृषि भूमि, भवनों, पशुओं के हवा और मिट्टी को कटाव बचाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 28, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं रिवाज रूढ़ी, ऑप्शन बी नृजातीयता, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी आत्मसात्करण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृति। क्वेश्चन 29, उस व्यवहार या स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन ए अंग्रेजी बोलने वाले को व्यवहारों में प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को मित्र बनाना, ऑप्शन सी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग पंक्तियां होना, ऑप्शन डी केवल अपने धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान करना। सही विकल्प को चुनिए, ऑप्शन ए ए एंड डी, ऑप्शन बी ए ए बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, सही। ऑप्शन बी कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया, ये भी सही। सही विकल्प का चयन कीजिए, ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27, एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो होती है पर लागू करने की नहीं, ऑप्शन बी कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऑप्शन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक सरकार में कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन 32, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। ऑप्शन ए कृषि कार्य में, ऑप्शन बी चिकित्सा पेशे में, ऑप्शन सी शिक्षण कार्य में, ऑप्शन डी निजी कंपनियों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि कार्य में। क्वेश्चन 33, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है, ऑप्शन बी एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है, ऑप्शन सी सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन न देना गैर कानूनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए विकल्प ए एंड बी गलत, ऑप्शन बी बी एंड सी गलत, ऑप्शन सी ए केवल, ऑप्शन डी केवल सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल सी। क्वेश्चन 34, यह खालिस्तान का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। ऑप्शन ए निर्वाचित सरकार, ऑप्शन बी भारत के लोगों, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के लोगों। क्वेश्चन 35, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगह पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति खाली स्थान के रूप में निर्दिष्ट है। दोहरा बोझ के, ऑप्शन बी अधिभार के, ऑप्शन सी दोहरा काम के, ऑप्शन डी अधि समय के। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दोहरा बोझ के। क्वेश्चन 36,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में रिक्त स्थान न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, सामाजिक का, आर्थिक का, कानूनी का, राजनीतिक का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कानूनी का। वरना प्रस्तावना में सामाजिक का, आर्थिक का और राजनीतिक का, इन तीनों का उल्लेख किया गया है, अन्य कानूनी का उल्लेख नहीं किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 37, अगर पारसी समुदाय से रिशद अपनी आस्था के शिक्षा के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन 38, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? विधायिका के, कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, संसद के? इसका आंसर होगा न्यायपालिका के पास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की रिक्त स्थान स्थिति का अध्ययन और जांच की। ऑप्शन ए आर्थिक में, ऑप्शन बी राजनीति में, ऑप्शन सी सामाजिक में, ऑप्शन सी ऑप्शन डी शैक्षिक में। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही संयोजन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। ऑप्शन बी आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक। ऑप्शन सी राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक। ऑप्शन डी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पर। क्वेश्चन 40, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया? ऑप्शन ए एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था, ऑप्शन बी घायल किसान हकीम शेख, ऑप्शन सी ओम प्रकाश को दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, ऑप्शन डी संयुक्त किसान मोर्चा किसान SKM का विरोध। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। क्वेश्चन 41, CE कॉमन एरा शब्द का प्रयोग ऑप्शन ए के स्थान पर किया जा सकता है, ऑप्शन ए BCA, ऑप्शन बी AE, ऑप्शन सी AD के स्थान पर किया जा सकता है CE का शब्द का प्रयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42, सामाजिक विज्ञान की अंतर विषयक उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन है, ऑप्शन ए सभी थीम की अंतर्वैयक्तिक तरीके से परिचर्चा होनी चाहिए, ऑप्शन बी योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर विषयक चिंतन आवश्यक है सही, ऑप्शन बी ऑप्शन सी विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है सही, ऑप्शन डी विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है, ये भी सही। इसका आंसर होगा BCD। सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए, ऑप्शन A, B and C, ऑप्शन बी BC and D। इसका आंसर होगा ऑप्शन B, BC and D।